बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आटो कैल लिस्प सीरीज़ के एक नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम पोली इनफो लिस्प को इस्तेमाल करते हुए आटो कैड के अंदर एक ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करेंगे और उसके साथ टेक्स्ट और सीएसवी फाइल क्रिएट करेंगे। चलते हैं, अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने आटो कैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं पोली लाइन की कमांड लेकर अपनी विंडो के अंदर ऐसे ही एक रैंडम सी पोली लाइन ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसी पोली लाइन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन का ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करना है और साथ टेक्स्ट और सीएसवी फाइल क्रिएट करनी है। पोली लाइन क्रिएट करने के बाद अब मैं अपने पोली इनफो लिस्प को लोड करूँगा, जो कि मैंने अपनी सी ड्राइव में कॉपी किया हुआ है। मैं अपने इस लिस्प का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने पोली इनफो लिस्प को सक्सेसफुली लोड कर लिया है। नेक्स्ट, मैं अपनी कमांड बार में पोली इन्फो लिखते हुए अपनी कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ। जैसे ही मेरी कमांड एक्टिव होगी, हमें सबसे पहले ऑप्शन नज़र आएगा सेलेक्ट पोली लाइन। यहाँ हमने आउटपुट को सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले ऑप्शन टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने ऑटो कैड के अंदर टेबल क्रिएट करना है। तो मैं अपनी पोली लाइन को सेलेक्ट करने के बाद अपने टेबल को इस जगह पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखे, मेरा ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो चुका है। इस टेबल के अंदर हमें तमाम पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे और तमाम पॉइंट्स के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है वो भी हमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर मिलेगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। दोबारा से कमांड बार में पोली इनफो टाइप करते हुए अपनी कमांड को एक्टिव करेंगे। दोबारा से आउटपुट को सिलेक्ट करने के बाद अब हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, टीएक्सटी। तो अब हमारी टीएक्सटी फाइल क्रिएट होगी। दोबारा से पोली लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी फाइल नोटपैड पर ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो ये देखें, हमारी टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। दोबारा से कमांड बार में पोली इनफो टाइप करने के बाद अपनी कमांड को एक्टिव कर लेना है। तो आउटपुट को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने सीएसवी फाइल क्रिएट करनी है। तो सीएसवी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अपनी पोली लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक हमारी फाइल एक्सेल पर जाकर ओपन हो जाएगी। तो ये देखें, हमारी सीएसवी फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।